नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो पैन कार्ड से संबंधित है। अगर आप लोन लेना चाहते हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हो तो पैन कार्ड के बारे में जान लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। पैन कार्ड वित्तीय क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है। अगर पैन कार्ड को परिभाषित करें तो पैन कार्ड 10 डिजिट का एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जो अभी आपको डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है। इस तरह का आपका पैन कार्ड होता है, 10 डिजिट का एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, जिसका प्रयोग वित्तीय क्षेत्र में लेन देन व अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पैन कार्ड पर आपको क्या क्या लाभ मिलते हैं और पैन कार्ड कहाँ कहाँ यूज किया जाता है और पैन कार्ड से आपको कितना फायदा हो सकता है। अगर आप फाइनेंस में जरा भी रुचि रखते हो तो ये वीडियो पूरा वॉच करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बात करते हैं वन बाय वन करके कि पैन कार्ड पर आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर एक है बैंकिंग क्षेत्र में। बैंकिंग क्षेत्र में पैन कार्ड का सीधा संबंध होता है। अगर आप बैंक में खाता खुलवाते हो या फिर आप FD करवाते हो, फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, या फिर अपनी FD को विड्रॉल करवाते हो, या किसी भी बैंक में प्राइवेट या सरकारी बैंक से अगर क्रेडिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप बैंकिंग क्षेत्र से ये फायदे हैं वो ले सकते हैं। नंबर दो है पैसों का लेन देन। अगर आप बैंक के माध्यम से 50,000 रुपए या इससे अधिक राशि का लेन देन करते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आप बैंक से बड़े अमाउंट का लेन देन है वो कर सकते हो। 50,000 रुपए या इससे अधिक आप लेन देन करना चाहते हो तो बैंक में आपको पैन कार्ड देना जरूरी होता है। नंबर तीन है शेयर मार्केट। अगर आप शेयर मार्केट के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो या फिर शेयर मार्केट में लेन देन करना चाहते हो, जैसे ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो, तो पैन कार्ड का होना आपके लिए जरूरी है। अगर पैन कार्ड नहीं है तो आप डीमैट अकाउंट वगैरह वो नहीं बनवा सकते हो। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप शेयर मार्केट से ट्रेडिंग वगैरह करके लाभ प्राप्त है वो कर सकते। इसके बाद नंबर चार है एग्रीकल्चर। पैन कार्ड के माध्यम से आप एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हो। अगर आप KCC करवाना चाहते हो, अपनी जमीन पर लिमिट करवाना चाहते हो, या एग्रीकल्चर के लिए कोई व्हीकल जैसे मशीनरी या कोई वाहन वगैरह खरीदना चाहते हो, उन पर लोन करवाना चाहते हो, तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप अपनी भूमि में उसके डेवलपमेंट के लिए आप वाहन वगैरह खरीद सकते हो, मशीनरी खरीद सकते हो, या लोन वगैरह वो प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है लोन। अगर आप किसी भी प्रकार का लोन करवाना चाहते हो, अगर आप लोन लेना चाहते हो, अगर बिजनेस के लिए कोई लोन लेना चाहते हो, या प्रॉपर्टी लोन लेना चाहते हो, या पशुपालन या डेयरी फार्म के लिए लोन लेना चाहते हो, किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप लोन लेकर के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हो। तो अगर आपके पास पैन कार्ड बना हुआ है और अपना व्यवसाय स्थापित करना चाहते हो तो लोन वगैरह वो आसानी से ले सकते हो। इसके बाद नंबर 6 है NGO और कंपनीज। अगर आप कोई कंपनी बनाना चाहते हो या आप NGO चलाते हो या फर्म या सोसाइटी चलाते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपका पैन कार्ड बना हुआ है और आप अपना NGO या कंपनी आप रजिस्टर्ड करवाना चाहते हो तो आप आसानी से अपना NGO कंपनी या फर्म है वो रजिस्टर्ड करवा पाओगे। इसके बाद नेक्स्ट है 7 नंबर इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसी और इनकम रिटर्न। अगर आप इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम लेना चाहते हो, आपके पास कोई बीमा पॉलिसी है उसका क्लेम लेना चाहते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो आपको बीमा पॉलिसी का क्लेम मिलने में प्रॉब्लम आ सकती है, इसके लिए आपके पास पैन कार्ड है वो होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप इनकम रिटर्न फाइल करते हो, ITR भरते हो, तो उसके लिए पैन कार्ड का होना जरूरी है। इनकम रिटर्न के लिए परमानेंट अकाउंट नंबर है वो होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है 8 नंबर फॉरेन करेंसी। अगर आप फॉरेन करेंसी में अर्निंग करते हो, अगर आप विदेशी मुद्रा में अर्निंग करते हो तो उसको इंडियन करेंसी में बदलने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना जरूरी है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आप फॉरेन करेंसी में अगर अर्निंग कर रहे हो तो आपको इंडियन करेंसी में चेंज करने में प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसके लिए आपके पास पैन कार्ड है वो होना चाहिए। अगर आपका पैन कार्ड बना हुआ है तो आसानी से आप फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में बदल सकते हो। इसके अलावा अगर आप विदेश की यात्रा करना चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, तो विदेश यात्रा के लिए टिकट बुक करने के लिए पैन कार्ड से आपको डिस्काउंट है वो मिल सकता है। इसके अलावा आप अगर फॉरेन एजुकेशन लेना चाहते हो, फॉरेन एजुकेशन के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है, पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट प्रूफ के लिए भी आप पैन कार्ड का यूज है वो कर सकते हो। आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फोटो और आपकी साइन वेरिफिकेशन के लिए आप पैन कार्ड का डॉक्यूमेंट के रूप में प्रयोग कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है 10 नंबर प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी खरीदने व बेचने के लिए पैन कार्ड की जरूरत होगी। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो या प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। इसी प्रकार से अगर आप कोई 4 व्हीकल जैसे कार, जीप आदि
खरीदना चाहते हो या बेचना चाहते हो तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है, आपका पैन नंबर बना हुआ है, तो आप प्रॉपर्टी का क्रय विक्रय करके या वाहन का क्रय विक्रय करके लाभ प्राप्त कर सकते हो। तो इस प्रकार से पैन कार्ड के बहुत सारे लाभ हैं। हर एक व्यक्ति के पास अपना पैन कार्ड होना चाहिए। वित्तीय लेन देन के लिए और वित्तीय क्षेत्र से संबंधित सभी कामों के लिए पैन कार्ड बहुत जरूरी है। तो ये थी जानकारी पैन कार्ड पर मिलने वाले लाभों के बारे में। मैंने आपको 1x1 करके पैन कार्ड के 10 प्रकार के लाभों के बारे में बताया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए एक नॉलेजफुल वीडियो है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने सोशल मीडिया ग्रुप में, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये पैन कार्ड का एजुकेशनल वीडियो है वो उन तक पहुंच सके और पैन कार्ड की जानकारी उनको मिल सके। आपको ये वीडियो कैसे लगा है प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए। पैन कार्ड अगर आपको बनवाना है, आपका पैन कार्ड नहीं बना हुआ है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पैन कार्ड बनाने के बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको मिलेगा। वीडियो वॉच करके आप घर से ही आवेदन करके अपना पैन कार्ड है वो एक ही दिन में बनवा सकते हो। आप वो वीडियो वॉच कर सकते हो अगर पैन कार्ड बनवाना चाहते हो। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और इस चैनल पे मैं इसी तरह से एजुकेशनल वीडियो जब वो अपलोड करता रहता हूँ, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो वॉच करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।